पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। मौजूदा सरकार पर अखिलेश जालौन में खूब बरस, कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी दलित एवं पिछड़ों की विरोधी सरकार है, अखिलेश यादव का बयान। जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। पिछड़ों के अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी सपा पार्टी। दलित विरोधी है, इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से आए फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मोखरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उरई राड रोड उरई में स्थित विजय विक्रम रिसोर्ट में मीडिया से हुए रूबरू और कहा दलित एवं पिछड़ों की विरोधी है भाजपा सरकार, पिछड़ों के लिए अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी सपा पार्टी। मीडिया के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के प्रश्न पर जवाब न देकर कहा यात्रा में सम्मिलित होने का उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। नगर निकाय चुनाव में समाप्त किए गए आरक्षण के मुद्दे सामने आए, इसलिए अन्य मुद्दों पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं निकलता है। एएसएम न्यूज के लिए अखिलेश समाधिया की रिपोर्ट। धन्यवाद। बहुत अफसोस है कि समाजवादी पार्टी का बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़े रहना, और जब कभी नेताजी ने या समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने आह्वान किया होगा, सुरेंद्र हमेशा आगे रहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसने, और कभी भी समाजवादी आंदोलन को उससे कमज़ोर नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ हो सकता था, अपने संसाधन जुटाना, अपने साथियों के साथ मेहनत करना, लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूँ, उनके साथियों से मिला हूँ, हर साथी बहुत ही दुखी है। मैं उनके परिवार से मिलने आया था, उनका दुख बांटने आया था। आज ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सभी को जरूरी ये है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता, हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो इनविटेशन तो भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है जी। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी। लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं।